इतना क्लोज हो गया, मुझे लगता था कि ये मैच जो है वो 18-19 ओवर में भारत चेज कर, आपको आराम से जीतना चाहिए था, आपने फंसा लिया मैच। खैर पाकिस्तान ने भी अच्छी गेंद की, ऐसा नहीं है। जब आप कहें ना कि 150 में, एक बात तो है जी, वर्ल्ड कप में आज से 10 महीने पहले हम जब 151 ऑल आउट हुए थे, भारत लड़ा नहीं गेंदबाजी में, आज पाकिस्तान लड़ा। यस, इंडिया ने बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है, और मैं ये तो नहीं कहूंगा हिसाब बराबर, क्योंकि हिसाब बराबर तब होगा अगर इंडिया एशिया कप भी जीते, जो कि शायद जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा जज्बा दिखाया। 35 रन 29 गेंदों में बनाए रविंद्र जडेजा ने, इन्होंने 2 चौके मारे 2 छक्के मारे, बट लार्जली इन्होंने भी स्ट्रगल किया। फिर 17 गेंद में 33 नॉट आउट, हार्दिक पांड्या 4 चौके 1 छक्का है, दिनेश कार्तिक 1 गेंद खेले हैं 1 रन है, 148 बनाए इंडिया ने, 5 विकेट से जीते हैं, 2 गेंद रहते, लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान ने गेंद अच्छा किया। दोनों टीम के फास्ट बॉलर्स ने इस विकेट पे, जहां गेंद हम कह रहे हैं स्विंग नहीं होगा, पेस एंड बाउंस से परेशान किया बल्लेबाजों को। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर स्विंग नहीं है आपके लिए मौजूद, तो आपको दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, और जो विकल्प ढूंढे वो बहुत बढ़िया ढूंढे, और जिस लिहाज की बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स ने काबिले तारीफ है, दोनों ही तरफ से, दोनों छोर से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। हम कह रहे थे कि बॉलिंग जो है वो इंडियन टीम की या फिर पाकिस्तान टीम की थोड़ा सा कमजोरी नज़र आएगी, बट मुझे लगता है कि बॉलरों ने अपना काम करके दिखाया, और यहाँ पे ये गेम बॉलर्स ने सेट किया। विक्रांत, अगर वो 4 विकेट भुवनेश्वर ने नहीं लिए होते, हार्दिक पांड्या ने वो लगातार वो ब्रेक थ्रू दे के वो पार्टनरशिप खुद नहीं तोड़ा होता, तो शायद ये 170-175 रन होते, 170-175 में और 150 में बहुत बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा है कि 132 रन नहीं बनेंगे उनसे, वो भुवी ने बाद में बोला, कहते जी हमने 147 ज़्यादा बनवा दिया।